इस सदन के अंदर दादागिरी संजय जी दादागिरी चला रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए सुन लो, मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर? मैं कहता हूँ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, पूरा इनको लग जाता है। आंदोलन जी संजय जी वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order. There's a point of order. वो चुमला जी भी संजय जी there is a point. हमें फक्र है अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। Let's keep the decorum, please. विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। मान्यवर मैं अपनी बात अदम गोंडवी जी की लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है मान्यवर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मान्यवर इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं, 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। Honorable और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाक उल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। और हमें फक्र है, सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो, हमें फक्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर अपने खेत के लिए मर गए, 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए, उनकी जान संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, नो अदर वर्ड इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप यहां उठा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको आंदोलन जी भी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया है यहां पे, सत्ता के लोगों, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज 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 सुनो। पहले चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं, जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम, वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order.
वो जुमला जीवी संजय जी देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर आंदोलन जीवी संजय जी देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जीवी है देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर आई हैव टू अलाउ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ करना है संजय जी वन मिनट सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर रूल 240 कंप्लीट उनको खत्म करने दीजिए संजय जी आई अलाउ यू टू स्पीक उनको खत्म करने दीजिए आई अलाउ यू टू स्पीक संजय जी एक मिनट हेलो इस सदन के अंदर दादागिरी संजय जी वो खत्म कर दे यस प्लीज दादागिरी चला रहे हो अंडर रूल 240 बंगाल हिंसा का नाम क्यों लिया गया दिस इज नॉट रिलेटेड टू सम अदर डिस्कशन सो यहां पे कैसे डिस्कशन शुड बी ऑन द बजट कैसे लिया गया बोलिए किसानों पे बात आप बोले संजय जी कंटिन्यू सर जय जी प्लीज टेक योर सीट I'm allowing him to continue. Please, Sanjay ji, continue. Deputy Chairman, sir. Sanjay ji, continue. Sir, मुझे समझ में नहीं आता सर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल बुरा इनको लग जाता ये क्या है सर ये क्या है मैं कहता हूँ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले बुरा इनको लग जाता मैं कहता हूँ अंग्रेजों के गुलाम बुरा इनको लग जाता है क्यों बुरा लगता है सर? अरे सुनो ना सच को सुनो यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है इनको बगैर पानी पिया मैं ठीक करूंगा चिंता मत करो यहां पे कहा गया माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए संजय जी प्लीज स्टार्ट कंक्लूडिंग हमें तो याद है प्लीज स्टार्ट डॉक्टर लोहिया भी चौधरी चरण सिंह भी आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया हमें संविधान दिया हमें संसद दी हमें लोकतंत्र दिया हमें यहां बोलने की आजादी दी यहां पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं संजय जी प्लीज कंक्लूड संजय जी बदौलत आए हैं प्लीज कंक्लूड योर टाइम इज ओवर कंक्लूड कर रहा हूं सर इतना तो याद कर लो इसीलिए बीएमएस भारतीय मजदूर संघ जो आपका है आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया आप बीएमएस को पढ़िए आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो और क्या क्या बेच रहे हो संजय जी कंक्लूड करें प्लीज रेल बेच रहे हो सेल बेच रहे हो खेल बेच रहे हो कोल बेच रहे हो LIC बेच रहे हो बैंक बेच रहे हो एयरपोर्ट बेच रहे हो पोर्ट बेच रहे हो FCI बेच रहे हो बिजली बेच रहे हो पानी बेच रहे हो सड़क बेच रहे हो BPCL बेच रहे हो पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो संजय जी टाइम इज ओवर कंक्लूड करें पूरा 30 सेकंड बेच दिया प्लीज कंक्लूड आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर ये बोलने नहीं देते आप कंक्लूड करें संजय जी वहां किसान को नहीं बोलने देते यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलते सदन का अपमान है सर हम लोग कोई बच्चे नहीं है इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए लाठी खा के जेल जाके आए दादागिरी मत दिखाओ यहां संजय जी प्लीज कंक्लूड आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर धन्यवाद थैंक यू प्लीज मंत्री जी प्लीज श्री रामदास अठावले जी प्लीज आई एम नॉट अलाउिंग एनीवन नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय जी बैठे माननीय मंत्री जी थैंक यू